नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे विमीय विश्लेषण विधि के अनुप्रयोग उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 kg, ये मास की यूनिट है kg और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 5। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 5000 ग्राम होगा। अब देखो केजी जो यूनिट है वो बड़ी यूनिट है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें छोटी होगी, और ग्राम यूनिट छोटी है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें बड़ी होगी। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 है। इट मीन्स यूनिट सिस्टम और न्यूमेरिकल वैल्यू एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक यू में परिमाण n में है, अगर मात्रक u है एवं उसका जो परिमाण या उसका मैग्नीट्यूड n है, तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो यूनिट छोटी होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी होगी तो यूनिट बड़ी होगी। और यहाँ n इंटू यू इक्व टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट दैट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ देखो 5 kg इक्व टू 5000 ग्राम, तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है। तो मान लो कोई फिजिकल क्वान्टिटी हमारी q है, तो q इक्वस टू n1 u1 इक्वस टू n2 u2। n1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, n2 सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u2 सेकेंड यूनिट सिस्टम है। अब मान लो कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट सिस्टम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने पर उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि डायमेंशन या विमा यूनिट सिस्टम या विमा ये इकाई पद्धति पर निर्भर नहीं करती। तो पहले यूनिट सिस्टम में मास को मान लो m1 लिखते हैं, द्रव्यमान को, लेंथ को l1 लिखते हैं, टाइम को t1, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। सेकेंड यूनिट सिस्टम में मान लो मास को लिख रहे हैं m2, द्रव्यमान को, लेंथ या लंबाई को लिख रहे हैं l2 और टाइम को लिख रहे हैं t2, तो उस पद्धति में उस सिस्टम में U2 सिस्टम में जो डायमेंशन होगी M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। ओके, नाउ देखो इस इक्वेशन में Q इक्वस टू N1 U1 इक्वस टू N2 U2। तो यहाँ N1 U1 की जगह ये यूनिट सिस्टम लिख दिया यहाँ, और N2 U2 की जगह ये लिख दिया। तो N2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू, अब देखो M1 की पावर A है, यहाँ M2 की पावर A है, तो पावर अगर कॉमन है तो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो ये जो फॉर्मूला है हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। और इसको कैसे यूज करते हैं, देखो कि एक क्वेश्चन है कि मान लो गुरुत्व त्वरण का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन MKS सिस्टम इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। ओके, नाउ देखो, अब इसमें देखो हमारा गिवन सिस्टम जो है वो MKS है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है N1 वो 9.8 है। दूसरा जो अननोन सिस्टम है वो CGS है यूनिट सिस्टम, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, N2 इक्वस टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी या जो हमारी भौतिक राशि वो है क्या चीज़। तो यहाँ हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्यों रखा, और यहाँ देखो गुरुत्व त्वरण, इट मीन्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, गुरुत्व त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। अब देखो ये हमने अभी डिस्कस किया था, अब देखो n2 इक्वस टू क्या होगा, n1 m की पावर 1 डिवाइडेड m1 अपॉन m2 द पावर a, l1 अपॉन l2 द पावर b, t1 अपॉन t2 द पावर c। तो यहाँ देखो ऊपर तो वो सिस्टम रखेंगे जो गिवन होगा, और डिनोमिनेटर में वो सिस्टम रखेंगे जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो दिया हुआ सिस्टम कौन सा है, MKS, और जो ज्ञात करना चाह रहे हैं वो CGS। तो यहाँ देखो M1 गिवन सिस्टम है, तो M1 की मास क्या होता है दिए गए सिस्टम, यहाँ पर दिया हुआ सिस्टम है MKS, MKS में मास होता है kg, तो हम लिख देंगे 1 kg। लेंथ होती है मीटर, तो यहाँ 1 meter लिख दो। टाइम होता है सेकेंड, तो यहाँ 1 second लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या है, M2 अननोन सिस्टम है, M2 की वैल्यू क्या है, ग्राम में है, तो 1 gram।
L2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, T2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड। यहाँ पर यह CGS सिस्टम लिख दिया, ऊपर MKS सिस्टम लिख दिया। N1 की वैल्यू गिवन है 9.8। अब यहाँ पर डायमेंशन ए बी सी की वैल्यू देखो, हमने अभी बताया था कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन है एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 2 है। तो ए इक्व टू 0 हो गया, बी इक्व टू 1 हो गया, टी इक्व टू माइनस 2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमें 0, 1 और माइनस 2। अब हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसको हम 1 अपॉन 1 सेकेंड लिख देंगे। अब यहाँ 9.8 है, 1000 अपॉन 1 ग्राम इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1000, और 1000 की पावर अगर हम 0 करते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 1। अब यहाँ 100 अपॉन 1 है, तो 100 अपॉन 1 क्या होगा? 1, और 1 की पावर 100 अपॉन 1 इक्व टू 100, और उसकी पावर क्या करेंगे? 1, तो यहाँ आएगा 100। और 1 अपॉन 1 1 1 की पावर कुछ भी रखो वो 1 आती है। तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट किए सबको, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? N2 इक्व टू 980। इट मीन CGS सिस्टम में जी की वैल्यू क्या होगी? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस प्रकार से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। थैंक यू।